आपको पता आपका रिएक्शन वायरल हो गया मस्टैंग वाला है ओ भाई आओ एक एक चक्कर और मार के मस्टैंग नहीं नहीं मेरे को मस्टैंग कह रहा हूं एस्टन मार्टिन सॉरी मेरी हैरियर मेरी जैगुआर ही अच्छी है मेरे को एस्टन मार्टिन नहीं चाहिए थैंक यू महफिल में बैठे हो तुम अकेला हूं मैं यहां इन रातों में जाने न दूं मैं तुझे रखूं बस पास तू मेरी सांसों में हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और आज सुबह सुबह पकोड़े बन रहे हैं मेरे छोटे शहजादे आज सुबह सुबह नहा धो के तैयार ये नए घर का फायदा हो गया वैसे सब जल्दी उठ जाते हैं यार भाई डर लगने लग जाता है डर लगने शांति की मैं भाई मैं तो लगता हलचल का है और ये देखो कौन आया है आज सदियों बाद मिठू डॉन आपको पता है ना मम्मी मिठू डॉन अपने स्कूल अपने कॉलेज के लड़के बहुत पसंद है मुझे आगे कहानी सुनाता कह रहा है यार ये कैमरे के सामने बोलता है मेरे को आके सुनाता है भाई वो लड़का कितना हॉट है यार और गेट पे ना इसने अपनी एंट्री करवाई प्रद्युम गेट वाले का फोन आया जी प्रद्युम मिलने आया मैंने कहा प्रद्युम कौन है भाई फिर उसने बोला मोपी मैंने कहा हम तो मोपी के नाम से जानते हैं तू आगे से हमें मोपी बोला हम नाम चेंज करके मोपी से रखना शुगर शुगर नेम घर का भी सुंदर है वैसे कैसा पहली बार आया हूँ लेकिन बहुत सुंदर है कैसा लगा सही सही था सही में सुंदर है सुंदर है बहुत बड़ा है काफी शानदार है टीवी कितने हैं भाई हर कमरे में सिर्फ इतना ही बड़ा टीवी है हाँ इतने बड़े टीवी हैं और हर कमरे में फिर कान में क्या बोलता है पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता डॉन भाई मैं तुझे बोल रहा हूँ रैले क्योंकि जब पता जासूस था ना हाँ। तो जासूस को बोला था कि एक कमरा तेरा है अब भाई वो तो जासूस भाई तो नहीं रहे जासूस भाई तो निकल लिए तो तू अपना कमरा ले सकता है ठीक है वैसे तू रह सकता है यहाँ पे क्योंकि हमें ना बहुत लोनली फील होता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा घर है और हम लोग बहुत कम लोग है ना तो तू रह सकता है बच्चे चाहिए मम्मी हमारी तो उम्र कम है लगता है पापा के पास ज्यादा अब कुछ ज्यादा गलत हो रहा है इसलिए कैमरा बंद कुछ खा लो आप भी सर अरे खा लेता हूँ भाई पतले नहीं देख रहे कितने हो गए बहुत पतले हो गए मुझे लग रहा है दोस्तों की याद में हो गए पतले हो गए स्मार्ट हो गए ये गए हाय उनको तारीफ चाहिए तारीफ कर उनकी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पापा के दोस्त यार पार्क वाले व्लॉग देख रहे हैं प्लीज घर आ जाओ और पापा के साथ दो चार दिन सैर कर लो अभिषेक की शूट है और वो जा रहा है देखो ये गाड़ी में बैठ गया बाय बाय अब निश्चय भी जा रहा है इसकी कोई मीटिंग है और भाई मजे की बात यह है कि मेरे को पता भी नहीं था मेरी मीटिंग है वो जिनके साथ मीटिंग है वो लोकेशन पे पहुंच गए हैं अब वो फोन करके बोल रहे हैं आप आए क्यों नहीं मैं तो सोया पड़ा हूँ पर अच्छी बात यह है कि ज्यादा दूर नहीं जाना पास ही है चलो जिन्होंने अब मीटिंग रखी है वेट करेंगे तेरी और क्या अब पता नहीं ऐसा लग रहा है बैग में पटाखा बज गया हाँ। कोई ना कल बैग कोई ना आपने वॉले नहीं लगाते तो थोड़ी सी कम हो गई वरना पहले तो इतनी ज्यादा हो रही थी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो एक पेन किलर खा ले यार इतनी वैसी जिंदगी में इतनी दर्दे हैं इतनी दवाइयां हैं और छोटी मोटी दर्दों के लिए भी अब दवाइयां खाएंगे चलो फिर सहलो फिर सह लिया ओके बाय गुड लक पापा देखो वो खुश हैं वो उनको टीवी पे न्यूज़ लगा दिया मैंने वो खुश हैं मस्त हैं वो पूरे दिन अब रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में अपडेट मिल रहे हैं उनको चलो बाय 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 ये तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पे बढ़िया तो है ही है ये टेबल चेयर अच्छा लग रहा है तो कभी बैठो इस पे कभी बैठिए आप इस पे चाय मैं लेके आऊंगी चाय तो आप पीते नहीं कॉफी है ना बस ये जो कंस्ट्रक्शन की आवाज है ये रुक जाए तो बस बहुत अच्छा है ये तो अब जब बन जाएगा तो रुक ही जाएगी ना उसके बाद तो फिर पीसफुल वाओ
कभी इतनी ग्रीनरी में एक अखबार और साथ में एक चलो चाय नहीं तो कॉफी कॉफी बढ़िया है। पेपर तुमने पढ़ना नहीं, तुमने तो यार मम्मी न्यूज़पेपर का एरा खत्म क्यों हो गया? खत्म ही हो गया सच में। न्यूज़पेपर वापस शुरू करो। ठीक है, रीडिंग पेपर से करने में ज्यादा मजा आता। अगर मैं पेपर लगा दूं तो तू पढ़ेगा? मैं ही पढ़ता था, मेरे को लगता है घर में पापा भी वो बता रहे कि बाथरूम जा पॉडकास्ट पे पढ़ता था, बट कम से कम पढ़ता तो था। पर सही है भाई, न्यूज़पेपर वापस शुरू करो। वो सुबह-सुबह न्यूज़पेपर वाले भैया आए, वो ऐसे करके फड़क करके फेंक के जाए दरवाजे पे न्यूज़पेपर, फिर उसको उठा के Later that same evening. Okay, तो आज हम सोना स्टीम कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीखने वाले हैं, और भैया हमें सिखाने आए हैं। और ये सर कह रहे हैं कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मेन जिसको ज़रूरत थी, मतलब जो ज़्यादा शौकीन है वो घर पे ही नहीं है, तो सोना भी सीखना पड़ेगा। हाँ सोना भी बचपन से बहुत सोया हूँ भाई, अब कितना सोना भी अब तो जागने दो। ये सीखने कोई चीजें है, ये तो अपने आप सीखी सिखाई आई हैं। मलन साहब सीख रहे हैं बड़े खुश होके, शौक से। मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि आप सोना और स्टीम अवॉइड करो, आप इसमें घुस जाओ, देखो कितना साफ है वो, आज ही साफ हो जाएगा ये लो। बस वो साफ होते ही अंदर मैं दिखूंगा आपको, ये जब इसकी परत हटेगी अंदर से मैं निकलूंगा। अद्भुत, ये बड़े शौक से सीख रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाएगा कहेंगे मैंने तो पता ही नहीं। ये क्या हो गया, ऑफ ऑन हो गया? ऑन हो गया सर, ये लाल बल्ब। अच्छा अब इसका कैसे ऑपरेट करते हैं? सोना और स्टीम सब कुछ इन्होंने सीखा है। कह रहे कल से कर, तूने भी साथ खड़ी थी। हाँ हाँ कल से करना है ना। हाँ हाँ मेरे को बड़े आराम से सोना आता है, 9 बजे सो जाता हूँ। 9 बजे सो जाता हूँ। चोरी? हाँ देखो की चोरी। 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठा देती है आजकल तो। आपने सीखा नहीं, आप भी सीख लेते। मम्मी मैं तुझे आता है, फिर वही बात है ना। तू तो यहाँ भी सो सकता है, तेरा क्या है, तू तो कहीं भी सो सकता है। चलो ठीक है, आप सो मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, गुड बाय। सोना सीखना नहीं पड़ेगा। सब तो बच्चों की चीजें हैं, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे इनकी तो। तो फिर पहले बताना था, हम बुलाते ही नहीं उनको। अरे वो आपको जरूरत थी ना सीखने की। इन्होंने सीखा है, अब देखते हैं कितने दिन शौक ये जिम का एक दिन का शौक पूरा हो गया। लाइट ऑफ कर दिया, वो कह रहे हैं मत जाओ जिम। तो चल तू जा 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 जा। ओके बाय। ओके तो शाम हो गई है और खाने का टाइम हो गया है हमारा। रोज शाम को मतलब 8 बजे के बाद कोई नहीं खाता खाना, और तो पीछे से ये कितना शोर मचा रहा है ना। अरे क्यों शोर मचाई जा रहा है? क्योंकि भाई आज बहुत एक्साइटेड है। क्या? जब से इस घर में आया भाई ने पहली बार तो वीडियोस शूट करी हैं, एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड कर दिए हैं। और भाई इतना एक्साइटेड है कि अब भाई फुल एड्रेनलिन रश हो रखा है, तो इसलिए अब जिम भी जा रहा है। जिम जा रहा है? या बॉय ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? कैसे कैसे? ऐसे ऐसे जब से आए हैं तू गया के इस दिन एक दो बार, दिन दो बार, एक दिन में दो बार कर लिया था, एक दिन में उसके अधिकति दर्द भी फिर छोड़ दिया। तो अब थैंक्स फॉर द वाटर। मैं तो खाना बना रही हूं, खाना जिम के बाद। अब मिलेंगे 5 मिनट बाद जब जिम हो जाएगा। I mean 50 मिनट बाद। 5 मिनट बाद। 1.25 घंटा हो गया इसको जिम करते, देख के आऊँ तेरा था 5 मिनट में ही वापिस आ जाऊंगा। नोनू आज की पूरी मशीनें तोड़ देनी है, पूरी मशीनें आज ही तोड़ देनी है। तूने कहा था मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, तो सच में थोड़ी ना 5 मिनट में आना था। तेरे को 1.25 घंटा हो गया, मैंने कहा पूछू भाई तू आज पूरी मशीनें तोड़ तोड़ के आएगा क्या जिम की? बड़े ऐसा सालों बाद मोटिवेशन आई है जिम करने। तो ऐसे है ना, धीरे धीरे करो थोड़ा थोड़ा ताकि रोज कर पाओ। आज Later that night. परदेसी परदेसी जाना नहीं,
खुद पर देसी होके एक देसी को तू बोल रहा है परदेसी जाना नहीं, तुझे शर्म नहीं आती घर छोड़? अरे फुकरा इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म आएगी? वैसे ही बता दे, घर से कोई शर्म नहीं आ रही क्या? नहीं भाई, हमारा जा रहा है, यानी कि हमारा क्या होगा इस घर में? नहीं सोचा कभी? इतनी गालियां पड़ेंगी ना तुझे कमेंट्स में। ओए साले हिपोक्रेट, शर्म भी ना आ रही उसको बोलते हुए। ठीक है तू मुंबई जा रहा, मैं तेरे पीछे पीछे कल मुंबई आ रहा हूँ। सच्ची आ रहा हूँ। इसको आज जाना है मुंबई किसी शूट के लिए, मेरे को कल जाना है मुंबई शूट के लिए, तो दोनों बेस्ट बडीज वहीं मिलेंगे। मिलेगा या फिर वहाँ नहीं मिलेगा? मिलेंगे, क्यों मिलेंगे भाई, डांस करेंगे दोनों साथ में। तू बड़ा आदमी है ना, तेरी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। फिर हिपोक्रेट गालियां खाएगा। ए! कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे पढ़ा गया गोपी, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्या खा रहा है? वर्कआउट भी करा तूने, हेल्दी भी खाया, तो क्या चाहता है, एकदम इतना फिट हो गया है, टॉप जी लग रहा है भाई, टॉप जी। ओ माय गॉड, टी-शर्ट पे भी लिखा है टॉप जी मैवरिक। मुंह अंदर घुसा दे कैमरा में। इतना स्मार्ट बन के कहां जाएंगे आप? ओहो स्मार्टनेस का नाम लिया और सुंदरता की मूरत इज हाजिर। मम्मी ये तो मैं सोच रहा घर का सारा काम करके, पर ये तो खुद घर छोड़ के जा रहे हैं। तेरा आ गया ना असर, पोंखा आ गया मेरा। हाँ तेरा पोंखा आ गया, पोंखा आ गया। वो कहता है कि तू घर नहीं रहता इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। गाइस जिंदगी में खाने पीने का एंजॉय करने का। आपको पता आपका रिएक्शन वायरल हो गया मस्टैंग वाला है। ओ भाई मत याद दिला, उस दिन मेरा पता कितना सिर दर्द हुआ है। चलो एक राइड, इतना सिर दर्द। आओ आओ एक एक चक्कर और मार के मस्टैंग। नहीं नहीं मेरे को मस्टैंग कह रहा हूं, एस्टन मार्टिन, सॉरी मेरी हैरियर, मेरी जैगुआर ही अच्छी है, मेरे को एस्टन मार्टिन नहीं चाहिए, थैंक यू। पर मुझे तो चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे तो पसंद है। तो गाइज हिमांशु भाई यहाँ पर आए हैं और वो एक गिफ्ट लाए मम्मी के लिए, तो मम्मी पता है उनको कह रही है कि ये आप पकड़ो, जैसे कैमरा ऑन होगा ना तो लेफ्ट में फिर पकड़ा देना। हाँ, आपको इतने प्यार से गिफ्ट लेके आया है तो फिर दिखाना, तो पूरा सबको दिखाना चाहिए। पहले मैंने कहा था हमें गिफ्ट नहीं लेना है, पर उन्होंने बोला कि मैं कान्हा जी लेके आया हूँ। अरे वाह, इसलिए तो हम दोनों के प्यारे हैं ना कान्हा जी, आपके भी इसलिए। अब दिखा तो दो खोल के कान्हा जी। राधे कृष्णा, बाबा जय श्री कृष्णा। टॉप जी भाई, जय श्री कृष्ण। टॉप जी भाई, हाँ जी, एक बार लुक तो दो अपनी, टॉप जी दिखा दो, साइड प्रोफाइल एकदम हीरोइक। लेट्स गो, इधर मुंह खोल, ऊपर कर दे, कर ऊपर कर और लेफ्ट देख। ओ माय गॉड, फैन गर्ल्स यहां पर एकदम ऐसे हुई, ला 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 ला, क्या बात कर रहा हूँ, सही है, लग रहा है क्या? और बताओ हिमांशु भाई, आज आप पहली बार आए हो ना? हाँ यार, देख रहा था बहुत टाइम से घर बनता हुआ, क्योंकि मेरी बालकनी से दिखता ही है वो तो। ये लिटरली मम्मी दो मिनट में आपको दिखाता हूँ अपने घर, आपके इधर से दिखता है बिल्कुल। तो फिर ये दिखता है। अब ये बताओ पूल में डुबकी मारने का बारे हो? जब रेडी हो जाए, अब पूल में डुबकी मारने का वैसे जब पूल का अभी तक ना उद्घाटन भी नहीं हुआ, किसी हाँ। कोई भी नहीं गया अब तक पूल में, तो मैं सोच रहा हूँ पहला बंदा मैं ही बनूं जो पूल में जा रहा है, बट उससे पहले वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। थैंक यू मांशु भाई, बहुत प्यारा। राधे राधे, राधे राधे, हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे, राधे राधे बोलो।